So students, today we are going to talk about or we are going to study about nucleic acid. So nucleic acid, which includes the DNA and the RNA. DNA, which is called as the deoxyribonucleic acid, whereas the RNA, which is called as the ribonucleic acid. These are the molecules which are the storage for the genetic information, and these are also called as the molecules of heredity. Okay, so nucleic acid, जिसके अंदर DNA और RNA होता है, दोनों जो है DNA और RNA जो है वो genetic information को carry करता है, ठीक है? अब ये जो DNA और RNA है, जिनको हम nucleic acid कहते हैं, तो किसके बने हुए हैं? So this nucleic acid, these are polynucleotides. Poly means many. And nucleotides क्या होता है? तो nucleotides को जानने के लिए हम यहाँ पे इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं. जो nucleic acid जो कि DNA और RNA है, वो बहुत सारे nucleotides के बने हुए हैं. These are made up of polynucleotides. अब ये nucleotides क्या है? Nucleotides जो है, जब हम nucleotides को देखते हैं, it is mainly or we can say chemically made up of three components. ये तीन components के बने होते हैं. Nucleotides जो है वो तीन components के बने होते हैं. अब वो कौन कौन से component हैं? These are heterocyclic compound, a monosaccharide and a phosphate group. जब ये तीनों मिल जाते हैं, कंबाइन होते हैं, it forms the nucleotide. वो क्या बनाते हैं? Nucleotide को बनाता है, ठीक है? So, nucleotide जो है, when we talk about this nucleotide, C-L-E-O-T-I-D-E, nucleotide जो है, वो क्या होता है? It is composed of three components, that is, इनके अंदर क्या-क्या होता है? एक heterocyclic compound होता है, प्लस एक मोनोसैकेराइड होता है, एक शुगर होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है. तो ये तीनों मिलके फिर क्या बनाएगा? आपका न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, ठीक है? क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड को बनाएगा. अब जब यहां से हम फॉस्फेट को हटा देंगे, ठीक है, तो फॉस्फेट को हटा देंगे, इसके अंदर क्या रहेगा? एक हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड और वी कैन सी द नाइट्रोजनस बेस और एक शुगर ही रहेगा. जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. ओके, सो इन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. फिर जब हम उसके अंदर न्यूक्लियोसाइड में जब हम क्या करते हैं, एक फॉस्फेट को ऐड करते हैं, फिर वो बनाता है न्यूक्लियोटाइड. सिर्फ हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड और मोनोसैकेराइड जो वो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड को बनाएगा. अब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट लगाएंगे तो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, ठीक है? तो प्लीज ये दोनों टर्म जो है वो बहुत बार आता है, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद इन दिस टू टर्म्स, दैट इज न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड और शुगर आता है. जब हम उसमें फॉस्फेट भी ऐड करते हैं, फिर वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड. ओके, सो न्यूक्लियोटाइड. तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड. उसमें क्या क्या है? हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसैकेराइड और फॉस्फेट ग्रुप. चलिए हम एक एक को हम और थोड़ा डिटेल में करते हैं. अब ये जो हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इट कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजिनस बेस. इनके अंदर नाइट्रोजिनस बेस आते हैं. हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर क्या आते हैं? नाइट्रोजिनस बेस आते हैं, ठीक है? सो नाइट्रोजिनस बेस जो है, इट इंक्लूड द एडेनाइन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड थायमिन. ये है आपके नाइट्रोजिनस बेस. अब इन नाइट्रोजिनस, जो पांच नाइट्रोजिनस बेस है, इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, ठीक है? एक तो है प्यूरिन विच कंसिस्ट ऑफ डबल रिंग मतलब हेटरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स गुण हलले तो डबल रिंग युत्कन गुना मतलब प्यूरिन जरा नुकले तेने सिंगल रिंग युत्कन गुना मतलब है पिरामिडिन जरा नुकले. नाउ लेट मी शो दिस वन. तो आपके बुक में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ऑन पेज नंबर 145. तो इसमें मैंने अभी कहा प्यूरिन, नाइट्रोजिनस बेस की हम बात कर रहे हैं.
तो प्यूरिन में क्या होता है, दीज आर डबल रिंग स्ट्रक्चर. डबल रिंग तो कहले ये डबल रिंग उत्पन्न होना तो प्यूरिन जरा नकले सिंगल रिंग उत्पन्न होना, ठीक है, जिसको हम पिरामिडिन कहते हैं. ठीक है, तो सिंगल रिंग ये है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो डबल रिंग को हम क्या कहते हैं, प्यूरिन, वेयर एज सिंगल रिंग को हम कहते हैं पिरामिडिन. सो पिरामिडिन के अंदर आता है आपका यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमिन, और प्यूरिन में आता है आपका एडेनिन एंड गुआनिन. ओके, तो यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना इस वाले स्ट्रक्चर में. तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है मैंने, अभी आप लोगों को बताया था शुगर और नाइट्रोजनस बेस. यूरासिल तो से दो वाले, यूरासिल ना यू शुगर है ना, ठीक है, पेंटोज शुगर, फाइव कार्बन चेन शुगर, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन, 5 कार्बन राइबोज शुगर दो वाले, ई शुगर गुना शुगर ना नाइट्रोजनस बेस दो वाले यूरासिल, इसका अटैच होना चाहिए यूरानो न्यूक्लियोसाइड. सो शुगर एक फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस संका मिला ही सोचना चाहिए यूरानो के न्यूक्लियोटाइड. ओके, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर किया है आपके बुक में और पेज नंबर 145 में. तो चलिए हम और देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में. तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजनस बेस आते हैं जिसमें आता है एडेनाइन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन ना थाइमिन. ये शुगर वो बताए नाइट्रोजनस बेस है ना, कहो सिंगल सिंगल रिंग में यू आनो डबल रिंग चकले अभी हमने देखा. तो सिंगल रिंग होना आता चीज रद ले पिरामिडिन, डबल रिंग होना तेने आता है प्यूरिन से तेनो के. नाउ नेक्स्ट वन, अब न्यूक्लियोटाइड में जो दूसरा कंपोनेंट है वो एक शुगर है. ठीक है, शुगर विच इज फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज राइबोस शुगर और 2-deoxyribose शुगर. ठीक है, या फिर वो राइबोस शुगर हो सकता है या फिर वो 2-deoxyribose शुगर हो सकता है. ठीक है, सो राइबोस, और अगर उसमें राइबोस शुगर है वो बनाएगा आपका RNA, अगर वो 2-deoxyribose है तो वो बनाएगा आपका DNA. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर, 2-deoxyribose विच इज फाउंड इन केस ऑफ DNA. यहाँ पे इसको 2-deoxy क्यों कहा है, बिकॉज 1, 2 सेकेंड कार्बन बेका ये जो कहने ऑक्सीजन चिखेरते में रुक दो गल है. जब हम राइबोस में नॉर्मल शुगर में देखते हैं इसमें क्या है 1, 2 सेकेंड बेका ओ एच ले सेकेंड बेका ओ वो खिरत दो गल है, तो फिर चीज इस 2-D देना खिरचिस ऑक्सी ले ऑक्सीजन वो खेर देना में. तो इस शुगर का नाम हमने दिया है 2-deoxyribose. तो ये आपका सिंबल वाला जिसमें है राइबोस. तो राइबोस शुगर आरएनए में होता है, डीऑक्सीराइबोस किस में होता है, डीएनए में होता है. तो ये है आपका मोनोसेकेराइड. एंड द लास्ट वन इज द फॉस्फेट ग्रुप. तो ये है आपका फॉस्फेट ग्रुप. तो न्यूक्लिक एसिड में जो थर्ड कंपोनेंट है या न्यूक्लियोटाइड में जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप. तो ये तीनों मिला के फिर आपका क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा. ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा और डिटेल देखते हैं इनका जो बॉन्ड होता है उनमें कौन सा वाला बॉन्ड होता है. द बॉन्ड विच इज फाउंड इन केस ऑफ दिस न्यूक्लिक एसिड दीज आर कॉल्ड एज फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड. फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड तदक्सा आता है डीएनए ना आरएनए होना आता है यूसिनो खलल है. जैसे कि हम देखते हैं इसमें एक फोस्फेट है, एक शुगर है और एक नाइट्रोजनस बेस है. सेकेंड फोस्फेट शुगर नाइट्रोजनस बेस, फोस्फेट शुगर नाइट्रोजनस बेस कौन चिकना चिक चिकना चिक अटैच होते दो वाले, तो एक लंबा सा वो चेन बनाएगा. ठीक है, तो इस चौसला चेन फोस्फो डाइएस्टर. तो यहाँ पर ये जो चेन जो है वो कौन से बॉन्ड के साथ लिंक है. तो हमने अभी तक प्रोटीन का बॉन्ड देखा, कार्बोहाइड्रेट का बॉन्ड देखा, अब जो न्यूक्लिक एसिड है उनमें आपको कौन सा वाला बॉन्ड दिखाई था. तो इनमें मैंने अभी भी आप लोगों को कहा दैट इज फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड वो चेन हो गया ले. जब हम यहाँ पे देखते हैं दिस इज द राइबोस शुगर, तो राइबोस शुगर का दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन. ये फिफ्थ कार्बन है. ठीक है, तो ये वाला फॉस्फेट जो है पहला बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है किसके साथ, कहाँ पे, ईनंगियम पोले फिफ्थ कार्बन बनंगियम पर अटैच हुआ. ठीक है, वो फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच होता है. और यही वाला जो दूसरा जो फॉस्फेट है वो यहाँ पे थर्ड कार्बन के साथ अटैच होता है.
सो इन केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू द थर्ड ग्रुप ऑफ वन शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एंड द फिफ्थ कार्बन, जो फिफ्थ वाला कार्बन जो है वो कहाँ पे होता है, ऑफ द शुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड. चिक चिक पो थर्ड पुनंग पोटैच होना, चिक चिक पो फिफ्थ पुनंग पोटैच होगा न्यूक्लियर, ठीक है. एंड द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऑफ द शुगर ऑफ एन एस्टर बॉन्ड, इनको हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं. तो यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड बन गया, तो एस्टर बॉन्ड मिस बोले. एंड एज यहाँ पे दो एस्टर बॉन्ड है, एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ओवर हियर, सो इट इज कॉल्ड एज फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड. तो एक एस्टर बॉन्ड मिस यूचेस पे जाते तेनगा ताई वच्ची सेना नुकले फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड सेना नुकले. तो डीएनए या आरएनए में या न्यूक्लिक एसिड में कौन सा वाला बॉन्ड होता है, दैट इज फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड. अब ये जो शुगर है और इनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेस है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. इनके यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है. शुगर ना नाइट्रोजनस बेस है पड़ला युद्ध कनबा मताची से हाइड्रोजन बॉन्ड, बाकी फॉस्फेट ना शुगर है पड़ला युद्ध का नहीं बॉन्ड होना, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड से लें, ठीक है. तो ये है आपका फॉस्फो, यहाँ पे डाई एस्टर लिंकेज लिखा हुआ है, ठीक है. सो दिस इज द फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड. तो ये है आपका न्यूक्लिक एसिड. Now, in the next video, we will talk about the structure of DNA.